सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, मैं थोड़ा सा नारा लगा लेता हूं, दो तीन। SC ST OBC, हम भारत के मूल निवासी। SC ST OBC, हम भारत के मूल निवासी। बाबा तेरा मिशन अधूरा, मूल निवासी करेगा पूरा। साथियों, आज जो ये धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम एक लोकतंत्र की व्यवस्था में अपनी आवाज को रखने के लिए एक माध्यम की जरूरत है। हम कहीं भी अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। लोकतंत्र की एक अपनी व्यवस्था होती है और हम सब इसी व्यवस्था को मानते हैं और हम इस देश के जो मूल निवासी बहुजन लोग हैं उसी व्यवस्था को, जो इस देश में लोकतंत्र के नाम पर जो ब्राह्मणिकल फोर्सेस, जो ब्राह्मणी तंत्र कार्य कर रहा है इस देश में, उसको हटाकर रियल में जो तथागत बुद्धा का जो लोकतंत्र था, वो लोकतंत्र इस देश में लागू हो, उसके लिए साथियों हम लोग सभी मूल निवासी लोग संघर्षरत हैं। और ये जो प्रयास है एक इश्यू को लेकर, ये जो इश्यू, आज का जो इश्यू है हमारा, ये हमारे जिंदगी और मरण का सवाल है। साथियों, ये इतना आसान सवाल नहीं है। जब 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा था इस देश में, LPG की जो नीति आ रही थी, साथियों आप सभी लोगों को पता है कि उस समय इस देश में 1990 के दौर में पिछड़े वर्गों का आंदोलन चल रहा था आरक्षण के लिए, और वो बहुत उग्र आंदोलन चल रहा था साथियों। और जब इस देश की शासक जातियों को ये लगा कि अब इस धारा को, अब जो पिछड़े वर्ग का जो प्रतिनिधित्व का जो मसला है इसको हम रोक नहीं सकते, तब उन्होंने साथियों इसकी धार को कैसे कुंड किया जाए, फिर इसकी अगर हमको दो रोटी देना है, देना ही पड़ना है मजबूरी वश, तो उसको कम कैसे किया जाए, एक रोटी कैसे दिया जाए, उसके लिए साथियों उन्होंने तरह तरह के षड्यंत्र किए। मंडल कमीशन के माध्यम से इंदिरा साहिनी के उसमें जो केस आया, उसमें पिछड़े वर्ग का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने रिजर्वेशन के अंदर क्रिमिनल लगा दिया। मतलब अगर उस समय जिनके माँ बाप 4 लाख रुपया अगर कमाते थे तो इनके बच्चों को हम नौकरी नहीं देंगे। साथियों, पढ़ेगा लिखेगा कौन? जिनके माँ बाप समर्थवान होंगे वही तो पढ़ेंगे, वही नौकरी हासिल करेंगे। और आरक्षण का मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के किसी भी आदमी को आप उधर रख दीजिए, इसका बिल्कुल वो मतलब नहीं है। रिजर्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ये प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। इससे इस देश को चलाने के लिए योग्य और प्रतिभावान लोगों ने व्यवस्था में जाना चाहिए। हमारे समाज के भी वो योग्य और जो प्रतिभाशाली जो बंदे हैं, जो अपने छात्र हैं, उन्होंने इस देश की व्यवस्था में जाना चाहिए। कोई भी आधा पढ़ा लिखा हुआ या कम ज्ञान का हमारे समाज से जाए, हम ऐसा नहीं चाहते। तो इस ये रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था है, तो बेस्ट लोगों ने व्यवस्था में जाना चाहिए। रिजर्वेशन का मतलब हुआ है ताकि इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने में हम भी अपना योगदान दे सके। लेकिन उन्होंने साथियों बड़ी चालाकी से उन्होंने ये कह दिया, नहीं, वो जिनके पास ज्यादा पैसा है उनको हम नहीं देंगे। फिर बाद में क्या बोला, जो लोग अवेलेबल, पहले तो बोला कि लोग है ही नहीं, कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, बट दोज आर अवेलेबल दे आर नॉट सुटेबल। और भाई साहब, जो पढ़ा लिखा ही नहीं है फिर वो जाएगा कैसे, उसको नौकरी कैसे मिलेगी? तो इसके माध्यम से साथियों उन्होंने उस धार को कुंद कर दिया। दूसरी तरफ से उन्होंने उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण की जो नीति थी उसको बिल्कुल, बहुत ये नया रिफॉर्म आ रहा है, इससे देश विकास होगा। आप जानते हो साथियों इस देश में विकास किसका हो रहा है? अंबानी का उधर मालाबार हिल में अरबों रुपए की बिल्डिंग बन गई, लेकिन हमारे लोग अभी भी झोपड़ियों में हैं। वो अरबों की बिल्डिंग का क्या करेंगे, 4-5 लोग रहते हैं उस घर में, हमारे लाखों लोग सड़कों के अंदर हैं। तो ऐसा इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहिए था हमको? हमको साथियों ऐसा नहीं चाहिए। हमको रियल जो डेमोक्रेसी होती है, इस देश के जो दबे कुचले लोग हैं, हमको, हम ये नहीं कह रहे मालाबार हिल्स में हमारा भी अरबों का बिल्डिंग बनाइए आप, नहीं,
हमको एक छोटा सा घर जहाँ सुख शांति से हम रह सके। हमारे बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं भी नहीं है लेकिन दिमाग में तो शांति हो साथियों। लेकिन इस देश की, क्योंकि आज जो निजीकरण की जो नीति बहुत खतरनाक है साथियों, आज हमारे जो छात्र है, नौजवान है, सड़कों पर घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, और जो निजी क्षेत्रों में किसी तरह से एंट्री भी कर रहे हैं तो उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं है। भयानक सिस्टम्स के अंदर उनका शोषण किया जा रहा है साथियों। तो इसके लिए साथियों, क्योंकि ये आज मूल निवासी संघ सिर्फ जंतर मंतर पर ही नहीं, ये हमने देशव्यापी कार्यक्रम बनाया हुआ है, ये पूरे राष्ट्र में आज के दिन हमने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। इसको लेकर, ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर जो गवर्नमेंट की चल रही है, जो पहले भी सरकार की चलती थी, अभी भी जो सरकार आई है उनकी भी सेम पॉलिसी चल रही है साथियों, तो ये आवाज कैसे हम रखेंगे इसके लिए साथियों लोकतंत्र की व्यवस्था में जनबल को जुटाना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके सिवा आपकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे बगल में किसानों का आंदोलन चल रहा है, 3 महीने से मैं देख रहा हूं लेकिन कोई कुछ सुन ही नहीं रहा, इस देश की व्यवस्था सुनी नहीं रही है। क्योंकि साथियों आपको ताकत बनानी पड़ेगी तब ये इस देश की सरकार भी आपको मान्यता देगी, आपकी आवाज सुनती है। मैं तो कह रहा हूं अभी सारी चीजों को भूल कर सरकार बनाने की ओर ही लग जाओ। अभी मांगते रहोगे वो देने वाले नहीं, वो सुनने वाले भी नहीं है। अभी लड़ो तो सरकार बनाने के लिए लड़ो, और कोई रास्ता आपके लिए नहीं बचा है। भीख मांगते रहोगे नहीं देने वाले, साथियों देने वाले बनो, बन सकते हो। एक राज्य में बने थे और भी बन सकते हो, पूरे राष्ट्र में बन सकते हो साथियों, लेकिन उसके लिए हमको संगठन का निर्माण करना पड़ेगा। और संगठन बनाने के लिए साथियों बहुत सारे कुर्बानियों की जरूरत है। सबसे बड़ी कुर्बानी होती है साथियों संगठन बनाने में, उस मैकेनिज्म के अंदर, उसके अंदर अपने आप को विलीन कर देना। हर आदमी चाहता है मेरी फोटो लगे, मैं बड़ा सा ये बनूं, मेरा ही सब चले। साथियों संगठन के अंदर अपने आप को विलीन करना पड़ता है, लाखों लोगों को उसके अंदर काम करना पड़ेगा। कभी आप दिखोगे, हो सकता है कि आप इस जो महल बनेगा उसके जो फाउंडर है उसकी एक ईंट बनोगे साथियों, शायद उस जमीन के अंदर भी हम जा सकते हैं इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए, लेकिन वो कुर्बानियां देनी पड़ेंगी साथियों। इस अवसर पर जय भीम जय मूल निवासी।